भाई अब खाएंगे डैडी, अब दर्शन कर लिए। और भाई क्या हालचाल, नया दिन नया व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हैं हम मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में हम उठ चुके थे 6 बजे, वैसे तो थोड़े बहुत टाइम लैप्स वगैरह बनाए, लेकिन अब हो रखा है टाइम कितना, 7 बज रहे हैं। और नहा धो के प्रॉपर रेडी, और मुक्तेश्वर धाम जाने के लिए भी रेडी बिल्कुल जा रहे हैं, कपड़े वपड़े पहन के तैयार। यहाँ से व्यू देखिए भाई, ये बादल आ गए है ना, वो जो थोड़ी बहुत चोटी दिख रही है सब हिमालयन रेंज है ये वाली। और भाई सुबह उठते ही जो सामने देखो बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, आत्मा तृप्त हो गई। और ये कुछ इंसान नहाए नहीं है, मैं और कृष्ण भैया रेडी हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं अभी। ये लोग थोड़ा सा उठ के नहा धो के फ्रेश व्रेश होके कम से कम 12:30 बजे तक रेडी होके ये तब आएंगे, चेकआउट करने के बाद ये फिर घूमने जाएंगे। इस छोरी को तो शर्म भी ना आ रही। आई जाएंगे यहाँ, सुबह सुबह इनकी मस्ती चल रही है। और हम आ चुके हैं मुक्तेश्वर धाम, छोटा सा ट्रैक कह लो या सिटी आजी कह लो वो है, लेकिन ये भी सांस फुला देती हैं। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर लंगूर बंदर सब मजे ले रहे हैं यार। और ये हमारे लंगूर बंदर आ ही नहीं रहे। चलते हैं ऊपर, व्यू बहुत खतरनाक है वहाँ का, व्यू दिखाते हैं भाई। उन्होंने देख रखा है, उन्होंने तू अपनी भाषा क्यों कह रहा, उनसे बात करवा जनता की। अच्छा भाई, जनता जनार्दन। हाँ जी, हाँ जी, कैसा व्यू है ऊपर से? तगड़ा है। बस आप पहले आ चुके हैं यहाँ पे, एक बार रुक लीजिए, आप पहले आ चुके हैं यहाँ पे दो बार। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, शांति है, आपकी जांच क्यों फूल रही है? यार चढ़ के आए ऊपर, पहला था हमने सुना आप खूब लौटे थे। दर्शन करने आप खाएंगे डैडी, अभी दर्शन कर लिए, दर्शन करके निकल आ चुके हैं। और यहाँ महाराज जी का आश्रम है, और यहाँ जो पीस है, मतलब हम 4-5 जो भी हैं उनके अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। बस ये लोग जो शोर आ रहा है, बस इन लोगों के बातों पर मेरा आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल शांति, घंटियों की आवाज बस, और जो सुकून मिल रहा है ना यहाँ आके, वो नेक्स्ट लेवल है। दिखाने को यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन शांति बोलने लायक नहीं। आप थोड़ी देर में जो जाएंगे व्यू पॉइंट पे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे यहाँ के, और थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। इस समय आ चुके हैं हम चोली की जाली, और ये अभी फैलने से बच गए। और चोली की जाली से व्यू देखिए, मतलब ये लास्ट पॉइंट है, मैं भी देख के खड़ा हूँ कभी लास्ट वीडियो हो जाए ये। अब नीचे और यहाँ से व्यू देखिए आप, हिमालयाज ऐसे लग रहे हैं जैसे पास में ही अगला पहाड़ हिमालयाज ही है। यहाँ भाई मौज ही आ गई, व्यू मैं कह रहा था ना वहाँ कोई व्यू नहीं है, यहाँ पे व्यू है, और यहाँ पे इतना खतरनाक व्यू है, आपको कैमरे में पता चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन
बिल्कुल प्रॉपर खाई है। वो किसके पास है बैग? कौन सा? अरे यार वो तो वहीं रह गया। गौरी जी जाओ वहीं रखा बैग लेके आइयो। अरे भाई मौज ही आ गई किसी के, है ना, एक नंबर मौज। पीछे अपना वैसे पहाड़, आगे हिमालयाज, नीचे बादल, सब बेहतरीन मौज सिस्टम। अब यहाँ से कहाँ चल रहे हैं हम, हैं आज हैं अभी तो ये, मतलब यहाँ से तो थोड़े बहुत जैसे हिमालय सीख रहे हैं, अभी इसके बाद हम जा रहे हैं जीरो पॉइंट। वहाँ से जैसे ये पेड़ वगैरह आ रहे हैं ना, इन पेड़ों के उधर जा रहे हैं एक तरीके से, वहाँ से प्रॉपर जीरो पॉइंट जिसे कहते हैं ना वही है, सामने हिमालय और हम बस, और कोई नहीं बीच में से स्टाम। हाँ जीरो पॉइंट की तरफ पड़ चुके हैं और ये रास्ता ही हमारा जीरो पॉइंट का। भाई देख रहे हो ना भाई क्या खतरनाक है। अब इंडिगो हम तलाश में है, दो बिल्लियां हमें छोड़ के आगे भाग चुकी हैं हमें पीछे छोड़ के, लेकिन भाई वाइब सुन रही कैडी। अरे मौज आ रही है ना हमारी, अरे एक नंबर एक नंबर। थकान उतरने के बाद तो कल रात, अब बढ़िया मजा आ रहा है। मंदिर बढ़िया था यार, बहुत शांति मिली। शांति यार ये वाली जगह ही शांति के लिए है एक तरीके से, ये मान लो मतलब बंदी वाली शांति के लिए नहीं। कोई वैसे बता रहा था यहाँ योग साधना वगैरह होती है। हाँ वो तो होती है ही, मतलब बात हुई थी। हाँ जैसे मैं सुरकुंडा देवी गया, वहां पे क्या रोप वे कर दिया है, अब कोई भी चला जा रहा है, क्या है रोप वे गए बैठो अपने ऊपर पहुंच गए, कुछ मेहनत ही नहीं करनी भाई जो। लेकिन वहां का ट्रैक ऐसा है आधे लोग तो पहुंच ही नहीं पाते ये थक जाना थकान वाला ट्रैक है बिल्कुल। इधर से उधर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा था लेकिन थक यहाँ पे भी गए। ये देखो धूप भाई, जीरो पॉइंट पे आ चुके हैं यहाँ। 60 रुपये पर हेड चार्ज था, उसके बाद अब जरा दिखाऊंगी दिखा दूँ क्या, एक सेकेंड रुको जरा सवर करो। और भाई ये देखो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि इसमें कैसा दिख रहा, लेकिन खतरनाक व्यू आ रहा भाई। अब यहाँ से अभी देखेंगे। अबे टेलीस्कोप भाई पूरा व्यू एंजॉय करके हम निकल चुके हैं। दी दोनों बिल्ली मिल गई हमें, दुख दर्द पीड़ा सुन लो क्या वैसे जेन्युइन ना ही हूं क्या ना करो ये भी बता दो यार एक बार। आलू काट पड़े सर आपके यहाँ से 14 किलोमीटर कपिलेश्वर महादेव टेम्पल पड़ता है 38 किलोमीटर। भालूगढ़ जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा आपके दर्शन। भालूगढ़ रामगढ़ वाली रोड है उसको जीपीएस में डालो आप, भालूगढ़ वाटरफॉल आ जाएगा। नहीं फिर हम वहीं से निकल जाएंगे ना नीचे घर की तरफ, माल्टे का जूस पी रहे हैं बहुत ही खट्टा, हमने तो पी लिया ये दोबारा पी रहे हैं और ज्यादा पीने की प्यास लग रही है। उसके बाद यहाँ देखो अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, यहाँ से हम कोई भालू वालू नाम से, हाँ हम भालू के पास जा रहे हैं, वाटरफॉल के पास जा रहे हैं, वाटरफॉल वाला जो भालू में जा रहे हैं और वहाँ जाके हमने करना कुछ नहीं है, देखना है। अच्छा पानी गिर रहा है, चाय मैगी खा लें देख लेते हैं बस इतना ही करना है भाई। मेरा मानना तो है ऐसे सीधे चलो नैनीताल में लेक में थोड़ा बहुत घूम लेंगे, 50-50 रुपए की राइड लेंगे। गाइस मेरा मानना तो ये है सीधे चलते हैं घर, सीधे चल गए फट, सुबह जाना है ऑफिस।
तो 50 किलोमीटर हो जाना, 50-80 है भाई, हम तो यहाँ से जाके सीधे सोएंगे। ये बंदा भी 70 किलोमीटर और जाएगा बुलंदशहर जाके। मैं वहाँ से दिल्ली जाऊंगा, फिर दिल्ली के जाना जब मेरे को हेडक्वार्टर्स बुलाया गया। तुम्हें जॉब कब जा रही है? 30 तारीख को। इसी 30 को नोटिस कंपनी वालों ने दिया या वैसे कंपनी ने? मेरी जॉब लगवा रहा था ये बंदा, कह रहा था मेरे साथ हम दोनों करेंगे। मेरी जॉब लगवाते लगवाते सिर खाली हो गया, सिर खाली हो गया। कोई मानूस है? पूरे 35 लोगों की नौकरी खा गया तू अकेला। अपन से पंगा लेती है, हैं नैन? अरे पी हाथ में ले लो, चलो यार। ग्रेटर नोएडा जाना है कॉलेज, मार्कशीट लेने और डिग्री पे साइन कराने। जो डिग्री 2 साल से घर पड़ी हुई है उसमें डायरेक्टर के साइन कराने कि हाँ भाई बंदा हमारे कॉलेज का ही है। सिक्योरिटी मनी की एप्लीकेशन डाली है, दे देंगे तो ठीक है, नहीं उसके लिए चैन साइन करनी है। फिर वहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली नोएडा में अटेंडेंस लगाते हुए। अच्छा, फिर वहाँ हैंड ओवर देना केटी, तब लौट के वापसी। ओम भोय, इस बंदी की भी बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा। चलो भाई बाइक स्टार्ट करते हैं, पहले तो होटल ही चल रहे हैं। वहाँ से चेकआउट तो सुबह कर दिया, सामान अपना इधर उधर रख ही दिया था, रिसेप्शन पर रख दिया था। अब चलते हैं नीचे और दिखाते हैं भानुगढ़ वाटरफॉल। भैया नाश्ता पानी करके निकल लिए हैं, बीच में रुक गए थे चाय पैन खा के। और क्या क्या खाया तुमने बताओ? तुम लाख से पहले तो सब बोल जाओ। ये भैया ने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है हमारे, अब धीरे धीरे मैं ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, खुद सीख के इन्हें पढ़ाऊँ फिर बाद में। और अब चलते हैं भालूगढ़ वाटरफॉल, ठीक है जी। यार उसी में डाल लेते यार, तुम गलत ले लिया यार तू। चल मान गया मैंने तो, बताया ना कितना रूड हूँ मैं भाई। प्रॉपर चेकआउट करके निकल चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं बाइक इधर उधर। क्या दिखाएंगे भाई? खोलियो से मतलब सेम पहाड़ है वैसे तो, लेकिन मोटो व्लॉगिंग दिखाते हैं, है ना। इस ठीक कैसे हर वक्त देखती रहेगी एक साइड से। ओ मैं छुमटूं तो तुम मारते रहोगे? हाँ मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ।